मैं एक्चुअली बहुत खुशनसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला. बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें. एक अच्छी तो बहुत खुशी हुई जब मेरे प्रतिभा का जब मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक. और ज़ाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट. बट ये जो जॉनर है ना वो मैं बहुत इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस हीरो गज़ल्स बनाने का. और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं. इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती है ऑनेस्टली. और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी यू नो देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सुफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस. इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोज़र में वो भी एक बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू. देखिए पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती, गज़ल कहाँ नहीं होती, हमने बेचारे को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कोई टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती, जिस गाने में ख्याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया, ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही, ऐसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पर काम किया. और प्रतिमा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया सर, आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं, वो हर दौर में रही हैं. और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ही ख़त्म नहीं होगी. तो इसका मतलब इसमें दम है. जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोज़ में. तो इसको मैं कुछ बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टी लैंग्वेज, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था. बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ ऑफ द कॉम्पोजिशन, द वर्ड्स, द ग्रेविटी ऑफ द होल सॉन्ग, आई वॉन्टेड टू मेंटेन दैट एंड नॉट मेक सम फैंसी काइंड ऑफ वीडियो, यू नो. सो It was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. Control the emotion. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. If you're sad, you know, you do a lot of things today, nowadays it's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस subtle way में control करके flat expression, flat face रख के उसको प्रोजेक्ट करना आँखों से नेचुरली, दैट इज कमेंडेबल. एंड आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड मेड एवरीबडीज लाइफ ईजी ऑन द सेट. सो आई थिंक द ड्यू क्रेडिट्स टू ऑनेस्टली द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन, द लिरिक्स, द सिंगिंग, सेम विद द परफॉर्मेंस. स्टूडियो में जिस तरह से करते हैं इसको इतनी आसानी से गाया है, कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं. गायकी इतनी मतलब शिस्सो तैयार है जो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज़ ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी. First of all, I missed out on
2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji, ke wo ekdam saath mein date rehte hain. So Deepak ji and Gaurav ji ne saath mein isko milkar produce kiya. Gaurav ne Deepak ji ko definitely unke saath milkar produce kiya hai. And it was definitely Deepak ji's idea and his vision. Also, then there was there is Prashant in this ghazal. Hamare bahut acche tabla player hain. And then entire Seven Heaven studio team. Raj could not be here. Raj ne mujhe record kiya tha Salim bhai ke studio mein. So also Purbayan ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. Jaise ye mujhe baar baar bol rahe hain ki itne aasani se gaya, it was not so easy for me. Lekin ek cheez ye hai ki Salim bhai aapko itna free chhod dete hain gaane ke waqt ki wo, he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. ऑल द कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम सलीम भाई. मेरे सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और इनके हर इवेंट, फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का भी हिस्सा हूँ, और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए. और बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके बहुत मैंने प्रोमो देखे और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका दोनों जन का नेचर है, इसलिए मेरे पास बहुत अर्जेंट काम था, थोड़ी छोड़ के मैं आ जाया. बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार. हमेशा जिस तरह से योगेश भाई सपोर्ट करते ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, अच्छे काम को, बड़ी बड़ी पिक्चरें तो करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स तो करते हैं, बट साथ में जितनी भी इंडिपेंडेंट लोग के साथ में जो काम करते हैं वो काबिल-ए-तारीफ. थैंक यू योगेश जी, थैंक यू.